Hello students, welcome to this online Pathshala of Biology. This is Shweta, your biology teacher. Students, in this lecture I am going to tell you regarding tools of recombinant DNA technology, tools of RDT. हम बात कर रहे हैं genetic engineering की और recombinant DNA technology की. इस process के अंदर genes के अंदर ही मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं, जीन्स के अंदर ही चेंजेस किए जा रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है. उन टूल्स को पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, बाद में वन बाय वन एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे हम लोग, राइट? तो वन मार्क में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. Tools of recombinant DNA technology are, first tool is restriction enzyme. Restriction enzyme का दूसरा नाम molecular scissor भी होता है. Scissor का मतलब आप सब समझते हैं, scissor का काम होता है cutting करने का. तो ये DNA को cut करने का काम करता है. It works for cutting of DNA. ये DNA के कुछ फ्रेगमेंट्स को, कुछ पार्ट को कट करता है. दूसरा टूल है पॉलीमरेज एंजाइम. पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है कॉपी करना. जब हम डिज़ायर डीएनए होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तो इस पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है पॉलीमराइजेशन करवाना, नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस करना, नंबर ऑफ क्लोनिंग प्रोड्यूस करना. तीसरा टूल है लाइगेज. लाइगेज का मतलब होता है ग्लू. ग्लू का मतलब आप सब समझते हैं, पेस्टिंग करना. तो जो डीएनए है, जो डीएनए कट रहा है, काटा जा रहा है, वहाँ उसकी पेस्टिंग होनी भी ज़रूरी है. इस तरह से इसकी पेस्टिंग होती है. तो जो ये पेस्टिंग होती है, ये एक एंजाइम के थ्रू होती है, जिस एंजाइम का नाम है लाइगेस. इट इज़ नोन एज डीएनए लाइगेस. उसके बाद है वेक्टर. वेक्टर इज़ व्हाट? वेक्टर इज़ व्हीकल. व्हीकल आप सब समझते हैं, व्हीकल जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो वेक्टर है, वेक्टर, दिस इज़ वेक्टर. लाइक हम इसको प्लाज्मिड कह सकते हैं, प्लाज्मिड और वेक्टर. ये वेक्टर के अंदर सबसे पहले हम डिज़ायर्ड जीन को पेस्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी किया, और फिर इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट? नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का दूसरा नाम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि डीएनए को कट करने का काम कर रहा है, ठीक है? जिस पॉइंट को कट की ज़रूरत है, जो डिज़ायर्ड डीएनए है, उसको कट करने का काम कर रहा है. तो सबसे पहले इसकी स्टडी हुई थी एस्चेरिचिया कोलाई के ऊपर. एस्चेरिचिया कोलाई, इट इज़ ई कोलाई. इट इज़ व्हाट? इट इज़ द बैक्टीरिया. एस्चेरिचिया कोलाई है बैक्टीरिया, उसके ऊपर अटैक किया. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ई कोलाई. इस एस्चेरिचिया कोलाई के ऊपर अटैक किया एक बैक्टीरियोफेज ने. बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियो का मतलब है बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाला. फेज इज़ वायरस, राइट? तो ये क्या है? ये एक वायरस है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया होगा, क्योंकि इसके नेम में बैक्टीरिया आ रहा है, बट यहाँ पे बैक्टीरिया का मतलब है कि बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करेगा, राइट? तो जब बैक्टीरियोफेज ई कोलाई के ऊपर, यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करेगा, तो ई कोलाई भी इससे बचने की पूरी पूरी कोशिश करेगा. तो इसके पास दो चीज़ें हैं, या तो ये ई कोलाई वायरस के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा और इसको डीएक्टिवेट कर देगा, राइट? और दूसरा ऑप्शन ये है, इसकी बॉडी के अंदर कुछ एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो इस वायरस के डीएनए को कट कर देंगे,
और इसको इनएक्टिव कर देंगे, राइट। तो उन्हीं एंजाइम्स को बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि ये इस वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसके डीएनए को कट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाई दे आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जो सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस था, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्टूडेंट्स लिसन ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली सो दैट यू मे नॉट फेस एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन। तो जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था हिंड सेकेंड। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है विच इज़ द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो दैट इज़ हिंड सेकेंड। और जो जबकि ये एंडोन्यूक्लियस है, तो एंडोन्यूक्लियस जो होता है 6 बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद उनको कट करता है। तो जिन 6 बेस पेयर्स को ये आइडेंटिफाई करता है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, राइट। इसके अलावा हिंड सेकंड के अलावा नाउअडेज मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज, राइट। 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से, राइट। और जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेम करने का एक प्रॉपर फार्मूला होता है। जैसे मैथ्स में आप सम्स को सॉल्व करते हैं तो उनके फार्मूलाज होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इनकी नेमिंग का एक फार्मूला है, जिसमें सबसे पहला लेटर आता है जीनस से। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल जो लिया हुआ है वो इको आर वन का लिया हुआ है। दिस इज़ इको आर वन जो है दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो आया है जीनस से, और हम सबको पता है कि जीनस जब हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। हमने क्लास 9th में भी ये चीज़ पढ़ी थी, प्लस 1 में भी पढ़ी थी। तो ई वर्ड आया है जीनस से। CO, जो ये CO टू वर्ड्स आए हैं, ये आए हैं इसकी स्पीशीज से। R आया है स्ट्रेन से, राइट। और 1 आया है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन से, कि इसके आइसोलेशन का क्या ऑर्डर है। उसके बाद हम बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। एंडोन्यूक्लियस वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। 1 इज़ एक्सोन्यूक्लियस एंड अनदर 1 इज़ एंडोन्यूक्लियस, राइट। तो एक्सो का मतलब होता है आउट, बाहर। तो एक्सोन्यूक्लियस जो हैं ये ऐसे एंजाइम्स हैं, एक्सो का मतलब बाहर हो गया और न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस को कट करने वाला। तो ये वो एंजाइम हैं जो डीएनए को बाहर की साइड से कट करेगा, राइट। और एंडोन्यूक्लियस अंदर, मतलब कि ये वो न्यूक्लियस है, ये वो एंजाइम है जो डीएनए को आइडेंटिफाई करेगा, पहले सर्च आउट करेगा कि मेरे को कौन से 6 बेस पेयर्स की ज़रूरत है, ये उन्हीं को कट करेगा, राइट। और जो बेस पेयर्स को ये कट करेगा उनको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, और वो सीक्वेंस जो होता है वो होता है पैलिंड्रोमिक। मैं आपको भी बताऊंगी कि पैलिंड्रोमिक होता क्या है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है ये वो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जैसे ही पढ़ने में आते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे मलयालम का एग्जांपल दिया हुआ है, और दूसरा एग्जांपल आपने देखा भी होगा ट्रक्स पे लिखा हुआ होता है टाटा। टाटा को आप कैसे भी पढ़ो ये ऐसे ही आएगा। यहाँ पे मलयालम है, उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं ये अपना वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2 डीएनए लिए हुए हैं, एक डीएनए है वेक्टर का और दूसरा डीएनए है
फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए मतलब डिजायर्ड डीएनए, जिस डीएनए की जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक ही एंजाइम को यूज करेंगे हम इन दोनों को कट करने के लिए, और वो एंजाइम कौन सा है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इको आर वन, और इको आर वन हमेशा जी और ए के बीच में कट करता है, और इसका जो पैटर्न होता है कट करने का वो जेड की तरह होता है। दिस इज द पैटर्न फॉर कटिंग लाइक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी, राइट। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी, कटिंग इस तरह से हो जाएगी। देखिए कटिंग होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी और ए के बीच में ये कट करता है, तो जी और ए के बीच में कट इस तरीके से, जेड मैंने आपको बताया था जेड डायरेक्शन में इसकी कटिंग होती है, तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग हो गई। यहाँ पे भी जेड डायरेक्शन में ही कटिंग होगी, जी और ए के बीच में कटिंग होगी। तो उसके बाद इन दोनों के जो बचे हुए पोर्शंस हैं उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो जब वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए बनेंगे तो जो न्यू डीएनए होगा दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीटी, राइट। आई थिंक आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन समझ में आ गया होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज मॉलिक्यूलर सीजर विच इज कटिंग द डीएनए बाय आइडेंटिफाइंग 6 बेस पेयर्स। अब हम बात कर रहे थे पैलिंड्रोम्स की, तो पैलिंड्रोम वो वर्ड हैं जो कि आगे और पीछे से दोनों जगह से अगर हम उनको पढ़ते हैं तो वो सेम ही दिखते हैं। मैंने मलयालम की यहाँ पे बात की थी, उसके बाद यहाँ पे अगर हम अपनी बायोटेक के अंदर की बात करें या हम अपनी बुक की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ भी है जी ए ए टी टी सी, राइट, जी ए ए टी टी सी। उसके बाद यहाँ पे सी टी टी ए ए जी, इसको अगर हम पीछे से पढ़ेंगे जी ए ए टी टी सी, दिस इज़ फॉरवर्ड एंड दिस इज़ बैकवर्ड, जी ए ए टी टी सी इज़ फॉरवर्ड, जी ए ए टी टी सी इज़ बैकवर्ड, 5-3 डायरेक्शन में है, दिस इज़ 3-5 डायरेक्शन। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में सिमिलर है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। स्टूडेंट्स जो जब ये कट किया जाता है, जब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कट करता है, ये थोड़ा सा 6 बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करता है और उससे थोड़ा सा लिट अवे दूर जाके उसको कट करता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और स्टिकी एंड्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये ज्वाइन किए जाते हैं दूसरे एंजाइम से, दैट एंजाइम इज़ नोन एज डीएनए लाइगेज, राइट। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, दूसरा डायग्राम भी है, ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है। किसका डीएनए है, वेक्टर का, वेक्टर का नाम क्या है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कह लें या वेक्टर कह लें एक ही बात है। तो क्या होगा, यहाँ पे कट किया गया फॉरेन डीएनए को, यहाँ पे प्लाज्मिड को कट किया गया, उसके बाद इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया। जब इन दोनों को ज्वाइन किया गया तो दिस न्यू डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टूल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन पाठशाला ऑफ बायोलॉजी, दिस इज श्वेता योर बायोलॉजी टीचर। Students, in this lecture, I am going to tell you regarding tools of recombinant DNA technology, tools of RDT. हम बात कर रहे हैं genetic engineering की और recombinant DNA technology की। इस process के अंदर genes के अंदर ही modifications किए जा रहे हैं, genes के अंदर ही changes किए जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। उन टूल्स को पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, बाद में वन बाय वन एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे हम लोग, राइट। तो वन मार्क में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
Tools of recombinant DNA technology are, first tool is restriction enzyme. Restriction enzyme का दूसरा नाम molecular scissor भी होता है. सीज़र का मतलब आप सब समझते हैं, सीज़र का काम होता है कटिंग करने का, तो ये डीएनए को कट करने का काम करता है. इट वर्क्स फॉर कटिंग ऑफ डीएनए, ये डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट्स को, कुछ पार्ट को कट करता है. दूसरा टूल है पॉलीमरेज एंजाइम. पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है कॉपी करना. जब हम डिज़ायर डीएनए होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ का ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तो इस पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है पॉलीमराइजेशन करवाना, नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रोड्यूस करना, नंबर ऑफ क्लोनिंग प्रोड्यूस करना. तीसरा टूल है लाइगेज. लाइगेज का मतलब होता है ग्लू. ग्लू का मतलब आप सब समझते हैं, पेस्टिंग करना. तो जो डीएनए है, जो डीएनए कट रहा है, काटा जा रहा है, वहाँ उसकी पेस्टिंग होनी भी ज़रूरी है. इस तरह से इसकी पेस्टिंग होती है. तो जो ये पेस्टिंग होती है, ये एक एंजाइम के थ्रू होती है, जिस एंजाइम का नाम है लाइगेस. इट इज़ नोन एज डीएनए लाइगेस. उसके बाद है वेक्टर. वेक्टर इज़ व्हाट? वेक्टर इज़ व्हीकल. व्हीकल आप सब समझते हैं, व्हीकल जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो वेक्टर है, वेक्टर, दिस इज़ वेक्टर. लाइक हम इसको प्लाज्मिड कह सकते हैं, प्लाज्मिड और वेक्टर. ये वेक्टर के अंदर सबसे पहले हम डिज़ायर्ड जीन को पेस्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी किया, और फिर इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. राइट, नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का दूसरा नाम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि डीएनए को कट करने का काम कर रहा है. ठीक है, जिस पॉइंट को कट की ज़रूरत है, जो डिज़ायर्ड डीएनए है, उसको कट करने का काम कर रहा है. तो सबसे पहले इसकी स्टडी हुई थी एस्चेरिचिया कोलाई के ऊपर. एस्चेरिचिया कोलाई, इट इज़ ई कोलाई. इट इज़ व्हाट? इट इज़ द बैक्टीरिया. एस्चेरिचिया कोलाई है बैक्टीरिया, उसके ऊपर अटैक किया. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ई कोलाई. इस एस्चेरिचिया कोलाई के ऊपर अटैक किया एक बैक्टीरियोफेज ने. बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियो का मतलब है बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाला. फेज इज़ वायरस. राइट, तो ये क्या है? ये एक वायरस है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया होगा, क्योंकि इसके नेम में बैक्टीरिया आ रहा है. बट यहाँ पे बैक्टीरिया का मतलब है कि बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करेगा. राइट, तो जब बैक्टीरियोफेज ई कोलाई के ऊपर, यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करेगा, तो ई कोलाई भी इससे बचने की पूरी पूरी कोशिश करेगा. तो इसके पास दो चीज़ें हैं, या तो ये ई कोलाई वायरस के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा और इसको डीएक्टिवेट कर देगा. राइट, और दूसरा ऑप्शन ये है, इसकी बॉडी के अंदर कुछ एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो इस वायरस के डीएनए को कट कर देंगे और इसको इनएक्टिव कर देंगे. राइट, तो उन्हीं एंजाइम्स को बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. क्यों? क्योंकि ये इस वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसके डीएनए को कट कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाई दे आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो जो सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस था, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. स्टूडेंट्स, लिसन ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली सो दैट यू मे नॉट फेस एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन. तो जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, वो था हिंड सेकेंड. ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, विच इज़ द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो दैट इज़ हिंड सेकेंड.
और जो जबकि ये एंडोन्यूक्लिएज है, तो एंडोन्यूक्लिएज जो होता है 6 बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद उनको कट करता है। तो जिन 6 बेस पेयर्स को ये आइडेंटिफाई करता है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, राइट। इसके अलावा, हिंट सेकंड के अलावा, नाउअडेज मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज, राइट। 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से, राइट। और जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेम करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। जैसे मैथ्स में आप सम्स को सॉल्व करते हैं तो उनके फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इनकी नेमिंग का एक फॉर्मूला है, जिसमें सबसे पहला, जो सबसे पहला लेटर आता है, सबसे पहला लेटर आता है जीनस से। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल जो लिया हुआ है वो EcoR1 का लिया हुआ है। दिस इज EcoR1। EcoR1 जो है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो आया है जीनस से, और हम सबको पता है कि जीनस जब हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। हमने क्लास 9th में भी ये चीज़ पढ़ी थी, +1 में भी पढ़ी थी। तो ई वर्ड आया है जीनस से। CO, जो ये CO टू वर्ड्स आए हैं, ये आए हैं इसकी स्पीशीज से। आर आया है स्ट्रेन से, राइट। और वन आया है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन से, कि इसके आइसोलेशन का क्या ऑर्डर है। उसके बाद हम बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज एक्सोन्यूक्लिएज एंड अनदर वन इज एंडोन्यूक्लिएज, राइट। तो एक्सो, एक्सो का मतलब होता है आउट, बाहर। तो एक्सोन्यूक्लिएज जो हैं ये ऐसे एंजाइम्स हैं, एक्सो का मतलब बाहर हो गया और न्यूक्लिएज का मतलब न्यूक्लियस को कट करने वाला। तो ये वो एंजाइम हैं जो डीएनए को बाहर की साइड से कट करेगा, राइट। और एंडोन्यूक्लियस अंदर, मतलब कि ये वो न्यूक्लिएज है, ये वो एंजाइम है जो डीएनए को आइडेंटिफाई करेगा। पहले आई सर्च आउट करेगा कि मेरे को कौन से 6 बेस पेयर्स की ज़रूरत है, ये उन्हीं को कट करेगा, राइट। और जो बेस पेयर्स को ये कट करेगा उनको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। और वो सीक्वेंस जो होता है वो होता है पैलिंड्रोमिक। मैं आपको भी बताऊंगी कि पैलिंड्रोमिक होता क्या है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है ये वो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जैसे ही पढ़ने में आते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे मलयालम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आएगा यहाँ पे मलयालम है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये अपना वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2 DNA लिए हुए हैं, एक DNA है वेक्टर का और दूसरा DNA है फॉरेन DNA। फॉरेन DNA मतलब डिज़ायर्ड DNA, जिस DNA की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक ही एंजाइम को यूज़ करेंगे हम इन दोनों को कट करने के लिए, और वो एंजाइम कौन सा है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1। और EcoR1 हमेशा G और A के बीच में कट करता है, और इसका जो पैटर्न होता है कट करने का वो Z की तरह होता है। दिस इज़ द पैटर्न फॉर कटिंग, लाइक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, GAA TTC, GAA TTC, राइट। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग इस तरह से हो जाएगी, देखिए। कटिंग होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी और ए के बीच में ये कट करता है, तो जी और ए के बीच में कट इस तरीके से, जेड मैंने आपको बताया था, जेड डायरेक्शन में इसकी कटिंग होती है। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग हो गई, यहाँ पे भी जेड डायरेक्शन में ही कटिंग होगी, जी और ए के बीच में कटिंग होगी। तो
तो उसके बाद इन दोनों के जो बचे हुए पोर्शंस हैं उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो जब वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए बनेंगे तो जो न्यू डीएनए होगा दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, RDT, राइट। आई थिंक आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन समझ में आ गया होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज मॉलिक्यूलर सीजर विच इज कटिंग द डीएनए बाय आइडेंटिफाइंग 6 बेस पेयर्स। अब हम बात कर रहे थे पैलिंड्रोम्स की, तो पैलिंड्रोम वो वर्ड हैं जो कि आगे और पीछे से दोनों जगह से अगर हम उनको पढ़ते हैं तो वो सेम ही दिखते हैं। मैंने मलयालम की यहाँ पे बात की थी, उसके बाद यहाँ पे अगर हम अपनी बायोटेक के अंदर की बात करें या हम अपनी बुक की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ भी है GAATTC, राइट, GAATTC। उसके बाद यहाँ पे CTTAAG, इसको अगर हम पीछे से पढ़ेंगे GAATTC, दिस इज़ फॉरवर्ड एंड दिस इज़ बैकवर्ड, GAATTC इज़ फॉरवर्ड, GAATTC इज़ बैकवर्ड, 5-3 डायरेक्शन में है, दिस इज़ 3-5 डायरेक्शन। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में सिमिलर है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, जो जब ये कट किया जाता है, जब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कट करता है, ये थोड़ा सा 6 बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करता है और उससे थोड़ा सा लिट अवे दूर जाके उसको कट करता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और स्टिकी एंड्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये ज्वाइन किए जाते हैं दूसरे एंजाइम से, दैट एंजाइम इज़ नोन एज डीएनए लाइगेज, राइट। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, दूसरा डायग्राम भी है, ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है। किसका डीएनए है? वेक्टर का। वेक्टर का नाम क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कह लें या वेक्टर कह लें, एक ही बात है। तो क्या होगा, यहाँ पे कट किया गया फॉरेन डीएनए को, यहाँ पे प्लाज्मिड को कट किया गया, उसके बाद इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया। जब इन दोनों को ज्वाइन किया गया तो दिस न्यू डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टूल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।